जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन के निर्देशानुसार ब्लॉक स्तरीय आरबीएस के टीम की चिकित्सकों द्वारा तहसील सदर के ब्लॉक खोराबार, चरगावां, पिपराइच एवं पिपरौली के ग्राम धोबही, जंगल बेलवार, करमहा, माधोपुर, उनौला, दोयम एवं ग्राम जंगल दीर्घन सिंह ने में 8, 9 एवं 10 जून 2020 को प्रातः 8 बजे से शिविर का आयोजन करने के लिए रोस्टर निर्धारित किया गया है, जिसके अनुसार तिथिवार संबंधित ग्राम से बाहर से आए हुए प्रवासी कामगारों, श्रमिकों एवं ग्राम के अन्य ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यकता अनुसार उन्हें दवाइयों आदि का वितरण संबंधित ब्लॉक के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें आवश्यकता अनुसार सहयोग करने के लिए संबंधित ग्राम के ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, लेखपाल एवं ANM को भी उपस्थित रहने के लिए ड्यूटी लगाई गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि शिविर के दौरान ऐसे प्रवासी कामगारों, श्रमिकों एवं ग्राम के अन्य ग्रामीणों जिनके पास राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है, उनकी सूची पूर्ति निरीक्षक के माध्यम से तैयार कराकर उनके राशन कार्ड को भी प्राथमिकता के आधार पर बनाए जाने हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि शिविर में स्वास्थ्य परीक्षण का कार्य संपन्न होने के उपरांत राजस्व विभाग से शिविर में उपस्थित राजस्व निरीक्षक, लेखपाल द्वारा ग्राम के चक्रोड़, तालाब, चकनाली का चिन्हांकन कर उसे विकास विभाग को सौंपे जाने की कार्रवाई की जाएगी, ताकि मनरेगा के तहत प्रवासी कामगारों, श्रमिकों को रोजगार देने के उद्देश्य से उन्हें कार्य दिया जा सके। साथ ही संबंधित ग्राम में वरासत की कार्रवाई, जो छूटे हुए हैं उनको जांच के बाद की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही श्रम विभाग के शिविर में उपस्थित होने वाले अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा प्रवासी कामगारों, श्रमिकों का पंजीकरण कर उनके स्किल का चयन कर मैपिंग की भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, तथा उन ग्रामों में बाहर से आए हुए प्रवासी कामगारों, श्रमिकों एवं ग्राम के अन्य ग्रामीणों को सूचित किया जाता है कि वे नियत तिथि समय पर ग्राम में आहूत शिविरों में उपस्थित होकर अपने स्वास्थ्य का परीक्षण कराते हुए जिला प्रशासन द्वारा दी जाने वाली योजनाओं का लाभ उठाएं। यह जानकारी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने दी है।